रामनवमी के महापर्व पर कैंट गली स्थित भारत सेवा आश्रम संघ मंदिर में पिछले 14 सालों से मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित किया जा रहा है। महाअष्टमी के अवसर पर मंदिर के मुख्य पुजारी ने मां दुर्गा की आरती की। इस मौके पर स्वामी निश्रेशानंद ने बताया कि भारत सेवा आश्रम संघ मंदिर में 14 सालों से माता दुर्गा की प्रतिमा स्थापित किया जा रहा है, जहाँ पर सामाजिक, राष्ट्रीय एवं पारिवारिक एवं अखंड भारत एवं देश के उत्थान के लिए हम लोग पूजा पाठ करते हैं। इस बार देश में संकट की घड़ी में मां संकटमयी, संकट हारिणी मां दुर्गा से प्रार्थना करते हैं कि पूरे विश्व को, भारत को संकट मुक्त करें। इस अवसर पर गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पुजारी निश्रेशानंद स्वामी ने कहा, स्वामी निश्रेशानंद इस शाखा का अध्यक्ष हूँ। ये भारत सेवा आश्रम संघ इस सेवा संस्था के साथ साथ धार्मिक की कार्यक्रम रखते हैं हर साल गुरुपुर शाखा की ओर से। इस बार ये 14वां ये बसंती दुर्गा उत्सव है और सामाजिक, राष्ट्रीय एवं पारिवारिक, अखंड भारत धर्म के उत्थान के लिए हम लोग के सामग्रिक रूप से पूजा पाठ करते हैं। इस बार इस देश के संकट की घड़ी में माँ संकटमयी, संकट हारिणी माँ दुर्गा के पास ये प्रार्थना करते हैं कि ये सारा विश्व को, भारत को तथा यूपी को भी संकट मुक्त करें। इसलिए पूजा पाठ किए हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं और आगामी काल भी इस तरह प्रार्थना भी करते रहेंगे।